हाय दोस्तों, कैसे हो? आज हम आलू और बैंगन की सब्जी बनाएंगे। ये बहुत ही आसान और कुछ अलग तरीके से बनाऊंगा, आप ज़रूर देखें। हम अपने ही खेत से आज ताज़े ताज़े बैंगन तोड़ने जा रहे हैं। देखो कितने अच्छे बैंगन लगे हैं। मैं ये सब्ज़ी कुछ अलग तरीके से बनाऊंगा। इसमें मैं प्याज टमाटर का कोई तड़का नहीं लगाऊंगा, सारी सब्जियों को मिक्स करके बनाऊंगा, आप ज़रूर देखना। हमने आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और बैंगन को भी काट लिया। इसको अच्छे से धो के और आलू के बीच में मिक्स कर देंगे। जैसे मैंने आपको बोला, हम इसमें तड़का नहीं लगाएंगे। देखो कि मैं कैसे बना रहा हूँ। ये देखो, एक हमने प्याज लिया, टमाटर लिया, अदरक लिया, मिर्च ली और लहसुन लिया। हम इसको तड़का नहीं लगाएंगे, इसको भी हम सब्जियों के साथ ही मिक्स कर देंगे। कुछ है ना अलग तरीका, कुछ अलग देखने में ही मज़ा आता है ना। अब इसमें हम नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार आप अपने टेस्ट अनुसार डाल सकते हो। हल्दी डालेंगे और मसाला डालेंगे और इसमें हम 3 से 4 चम्मच सरों का तेल डालेंगे, यानी सरसों का तेल। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे ताकि मसालों का सारा स्वाद सब्जियों में अच्छे से मिल सके। अच्छे से मिला लेंगे इसको कि मसाले सारी सब्जियों में अच्छे से जा सके। अब इसको हम 5 मिनट या 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो सके। हम कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच तेल लेंगे। अब इसमें जीरा डालेंगे, जीरा थोड़ा भुन जाए उसके बाद जो रेस्ट करने के लिए हमने सब्जी रखी थी वो इसमें डाल देंगे। देखो कितनी अच्छी सब्जी हो गई है, मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं सब्जियों में, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब ये सब्जी हम कढ़ाई में डाल देंगे। कुछ है ना अलग तरीका, आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में और इस वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक। और सब्जियों को अच्छे से मिला देंगे ताकि जीरे वाला तेल अच्छे से सब्जियों में जा सके। अच्छे से मिला लेना है। अब इसके बाद हम सब्जी को ढक देंगे 10 या 15 मिनट के लिए ताकि सब्जी अच्छे से बन सके। हम 15 मिनट तक वेट करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं। आपने बीच में भी ढक्कन को हटा के हिलाना है। मैंने हिलाया, मैंने दिखाया नहीं ताकि वीडियो लंबी ना हो सके, इसलिए। देखो हमारी सब्जी हो गई है। हम आलू को देख लेंगे दबा के कि आलू हो गया है। ये आलू हो गया है, यानी सब्जी हमारी हो चुकी है। देखो कितनी अच्छी सब्जी बनी है और कितनी टेस्टी। चलो आपको तो स्वाद का पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे तो पता चलेगा, मैं तो खा के ज़रूर देखूँगा। लेकिन आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं और ज़रूर देखें। है ना ये आसान तरीका, हम जो तड़का लगा के अपना टाइम वेस्ट करते हैं वो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, और बहुत ही आसानी से ये सब्ज़ी बन जाती है। देखो कितनी अच्छी लग रही है। अगर मेरी रेसिपी ये अच्छी लगी है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।